गांव में शामिल होते हैं मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दरबार में। मुर्शद के मानने वाले सखी लाल शाहबाज कलंदर के अकीदतमंद सैकड़ों किलोमीटर का फासला तय करके मुर्शद के दरबार में आए हैं, इनकी दुआओं में शामिल होते हैं। तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हों, अल्लाह ताला खुश नसीब फरमाए। शहनशाह कलंदर की नज़र करम हो, सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवानों की खैर हो। जो भी आशा उम्मीद लेकर मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दर पे आए हैं वो दुआएं कबूल हों। हमारे भाइयों के बच्चे सदा मुस्कराते रहें। अल्लाह ताला आने वाली मुसीबतें, तमाम मुश्किलें परेशानियां बीमारियां अचानक आने वाली मुसीबतें टाल दे। सखी लाल शाहबाज कलंदर के सदके दुआएं कबूल हों, अल्लाह आमीन। बोलो बोलो सखी शाहबाज कलंदर हमारे प्यारे भाई हैं बाबा जाफर फ्रूट वाले और कुछ मौजूद लोग हैं। इनमें हमारे पीर भाई हैं मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा सलाम अलैकुम, क्या नाम है साईं? आते ही रहते हैं बाबा मुर्शद के दरबार में, कैसे महसूस हो रहा है? माशाल्लाह थोड़ा अच्छा। बाबा किन्ना अरसा हो गया मुर्शद के दरबार से आते हुए? 20 साल हो गए ने। किमें महसूस होता है? बिस्मिल्लाह। क्या नाम है सही आपका? अच्छा, अपना पूरी एड्रेस बताएं जहाँ से आए हैं। कितने बंदे आ रहे हैं हूँ इस मरतबा? 100 बंदा। अच्छा, कितने दिन हो गए ना इतने पहुँचे? सुबह आज निकल जाना है, सुबह वापसी है, रवानगी है, अल्लाह बेहतर करे। रास्ते में कोई रुकावट? कोई परेशानी। मौसम कैसा है पंजाब का और सेवन का? क्या बात है, आज तो होता है इस मौसम से एक ही है। बिस्मिल्लाह। बाबा क्या नाम है? किमें महसूस हो रहा है बाबा मुर्शिदी नगरी से आके? बस दुआ करते हैं जिस तरह खैरियत से आप आए हैं मुर्शिद के दर पे, आपकी जो भी आशा उम्मीद लेकर मुर्शिद के दर पे आए वो दुआएं कबूल हो, आपकी आपकी हाजिरी कबूल हो। जिस तरह खैरियत से आए हैं आप खैरियत से अपने बच्चों में अपने घर को वापस पहुंचे दुआ करते हैं। अच्छा साई तुसी बताओ बाबा कितने साल तू बाद आए हो? 3 साल हो गए ने? 4 हूँ किवें लत्तां दी कंडीशन सही है? चल फिर लेंदे हो, करम हो गया है, किवें महसूस होंदा है? बड़ा सुकून। बिस्मिल्लाह। बाबा जाफर तुसी बताओ बाबा। आप ही बकंग बकंग गए रहे, आप नहीं रहे। बाबा किवें महसूस हो रहा है? बिल्कुल ठीक। रज के ज़ियारत की है? ओ रज के राती इंसाना आख्या अपने पीर भाइयों ब्याह ब्याह वेख लो बिजली लगा जाता जी। बिस्मिल्लाह। ये हमारे पीर भाई दो दिन पहले ही यानी मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के उर्स से एक दो दिन आगे भी आ जाते हैं पीछे भी आ जाते हैं, 3 दिन तकरीबन 2.5-3 या कई तो 4-5 दिन भी रहते हैं, उसके बाद इनकी वापसी होती है। बहुत थकावट वाला सफ़र होता है लेकिन मुर्शद के दीवाने हैं, मुर्शद की मोहब्बत में खिंचे चले आते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, तकलीफ़ें हैं परेशानियां हैं, कोई मसला नहीं है, मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने मुर्शद के दर पे इसी तरह आते रहेंगे। सखी लाल शाहबाज कलंदर का जो शहर है आबादी है मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर का सेवन इसी तरह आबाद रहेगा इंशाल्लाह। ये मेरा क्या मतलब जब मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर का उर्स मुबारक आता है लाखों लोग अकीदत भरे सलाम पेश करने के लिए मुर्शद की ज़्यारत करने के लिए और मुर्शद के दर पे आते हैं, अपने दुखड़े सुनाते हैं, खुशियों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला सब की मुरादें पूरी फरमाए। सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने हमारे पीर भाई जब आकर गले मिलते हैं तो यकीन माने ऐसे महसूस होता है कि बस जो खून के रिश्ते होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये अकीदत भरे जो रिश्ते हैं मुर्शद सखी लाल शाहबाज कलंदर के अकीदे भरे डोर से जो बंधे हुए रिश्ते हैं
कहीं ज़्यादा है। अपने पीर भाइयों से जो मोहब्बत मिलती है, सखी लाल शाहबाज कलंदर के दीवाने जो हमें इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत देते हैं, उनके लिए मेरे अल्फाज मेरे पास नहीं है। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को बहुत इज़्ज़त दे। सखी लाल शाहबाज कलंदर के सदके दुआएं कबूल हों। मुर्शिद के दर पे हमारे पीर भाइयों की दुख भरी दास्तानें हम सुनाते रहते हैं। जब वो मैसेज करते हैं, पैगाम देते हैं, मुर्शिद के दरबार पे पहुँच जाते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दुआ करते हैं, दुआएं कबूल हों। अल्लाह हुआ।